हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि एक फिक्स असेट को जब परचेज किया जाता है तो किस किस तरीके से परचेज किया जा सकता है, और अगर किसी फिक्स असेट को सेल किया जाता है तो किस किस तरीके से सेल आउट किया जा सकता है। तो आज मैं आपको फिक्स असेट के परचेज से रिलेटेड अलग अलग केसेस बताऊंगा कि एक फिक्स असेट को जब परचेज किया जाता है तो अलग अलग सिचुएशंस क्या बन सकती हैं और उनमें हमारी जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी। ठीक है जी, धीरे धीरे अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने सिर्फ ये बताया कि परचेज और सेल करते समय सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। आज मैं परचेज के रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्रियां बताऊंगा। ठीक है जी, परचेज जब करते हैं हम बिग फिक्स असेट को तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद रीजंस। एग्जांपल्स ऑन परचेज ऑफ फिक्स असेट, किसी भी फिक्स असेट को परचेज करते समय क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला है मशीनरी परचेज फॉर कैश, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई है कैश में। अब सुनिए, यहां पर मशीन की जगह फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कोई भी और फिक्स असेट हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, एसी हो सकता है। ठीक है, मैं सारे एग्जांपल मशीनरी को लेकर के ही करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीन खरीदी गई है कैश में 5 लाख रुपए। ठीक है, मशीनरी 5 लाख रुपए में नगद खरीदी है। ठीक है जी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इस तरह देख सकते हैं, मशीनरी 5 लाख रुपए में नगद खरीदी गई। चलिए शुरू करते हैं इसकी एंट्री। अब इस सिचुएशन में आप मॉडर्न अप्रोच के रूल्स लगाइए। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि LIC और AE लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस और कैपिटल, यदि ये बढ़ी हैं, अगर ये बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट होगा, और अगर लाइबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल घट रहे हैं तो डेबिट होगा, और AE असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होगा, असेट्स घटेंगे तो क्रेडिट होगा। इसी तरीके से एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा, और एक्सपेंसेस और लॉसेस घटेंगे तो क्रेडिट होगा। तो यहां पर आप देखिए आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में एक मशीन आ रही है कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की। तो आपके बिजनेस में मशीन एक फिक्स असेट है, असेट बढ़ेगी आपके बिजनेस में। तो देखिए यहां पर हम रीजंस लिखेंगे। यहां पर देखिए बिजनेस में मशीनरी क्या है, एक एसेट है। मशीनरी क्या है जी, बिजनेस के लिए एक एसेट है, फ्यूचर में ये हमें इनकम बढ़ाने में मदद करेगी, और हमने इसे बेचने के लिए परचेज नहीं किया है, अनटिल अनलेस कि ये यूजलेस हमारे लिए हो जाए तभी हम इसे बेच देंगे। मशीनरी एक एसेट है और यहां बिजनेस में ये बढ़ रही है। ठीक है जी, मशीन आ रही है बिजनेस में, बढ़ रही है, तो ये हो जाएगी बेटा क्या आपकी बुक्स में डेबिट। ठीक है जी, ये आपकी बुक्स में डेबिट हो जाएगी, और आपके पास से जा क्या रहा है, कैश। ठीक है जी, आ क्या रहा है बेटा मशीनरी, और जा क्या रहा है कैश। तो कैश क्या है, कैश भी हमारे बिजनेस में एक एसेट है, एक संपत्ति है, हम जिसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, अपने हिसाब से खर्च करते हैं बिजनेस में, जैसी हमारी जरूरत होती है। तो कैश एक असेट है जो कि कम हो रही है। जब आप असेट को खरीदेंगे तो पैसा आपके बिजनेस से जाएगा। ठीक है जी, तो पैसा बिजनेस से जाएगा, असेट कम होगी तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी, तो बेटा डेबिट क्या होगा मशीनरी, क्रेडिट क्या होगा कैश। बन गई हमारी जर्नल एंट्री, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपए, रुपए 5 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रुपए 5 लाख, और ये है इसके रीजंस। ठीक है जी, रीजन क्या रहा, मशीनरी एसेट है, बढ़ रही है तो डेबिट, कैश हमारी एसेट है, घट रही है तो क्रेडिट। चलिए
अब दूसरा देखते हैं सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन से पहले मैं एक बार और बता दूं, यहां पर साफ साफ दिया हुआ है मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹5 लाख। अगर हमें सिर्फ इतना दिया होता कि मशीनरी परचेज, ठीक है, अगर ये दिया होता मशीनरी परचेज और कैश नहीं दिया होता शब्द, ठीक है, सिर्फ ये बोला होता मशीनरी परचेज ₹5 लाख, तो भी हम ये मान के चलते कि मशीनरी कैश में ही खरीदी गई है, ठीक है जी। रीजन है उसके पीछे, अगर हमने उधार खरीदी है तो हमें या तो क्वेश्चन बताएगा कि क्रेडिट बेसिस पर खरीदी है, या पार्टी का नाम हमारे सामने होता, ठीक है। अगर कैश वर्ड आ गया है तो कैश में ये कोई पार्टी का नाम नहीं है, खाली मशीनरी परचेज है, तो भी हम क्या मान के चलते कि कैश में ही परचेज की गई है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि खाली मशीनरी परचेज भी लिखा होता तो उसे अपन कैश मानते, बट यहां पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज फॉर कैश, तो साफ साफ पता चल रहा है कि कैश में परचेज, ये नहीं लिखा होता कैश तो भी हम ये मान के चलते, खाली ये लिखा होता मशीनरी परचेज ₹5 लाख तो भी उसे कैश में ही परचेजिंग हम मानते। चलिए दूसरा देखते हैं, मशीनरी परचेज फॉर ₹5 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है जी। मशीनरी खरीदी है वही ₹5 लाख में, और अब पेमेंट कैसे किया है हमने, चेक से, ठीक है जी। आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम तुरंत भुगतान कर रहे हैं तो चेक से कर सकते हैं और कैश में भुगतान कर सकते हैं, कैश में पेमेंट कर सकते हैं, चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं। जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हमारे बैंक से जाएगा, और हमारे बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो हमारे बिजनेस की एसेट है, क्योंकि वो हमारा पैसा है, बिजनेस का पैसा है। तो बिजनेस जैसा बैंक को कहेगा बैंक वैसा ही कहेगा, बैंक को कहा जाएगा कि आप पेमेंट कर दीजिएगा, तो बैंक हमारे खाते से पैसा निकाल करके मशीन के जो विक्रेता हैं बेचने वाले उनको दे देगा। चलिए तो यहां देखते हैं रीजन, रीजन देखिए, आपके बिजनेस में यहां मशीन आ रही है, मशीनरी आ रही है, तो बिजनेस में असेट आ रही है और असेट बढ़ रही है, बिजनेस में असेट जो है बढ़ रही है मशीनरी, तो असेट्स बढ़ती हैं तो क्या हो जाता है बेटा, डेबिट। ये मॉडर्न रूल्स कहते हैं, ट्रेडिशनल नहीं कह रहा मैं, मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग असेट बढ़े तो डेबिट करो, और बदले में जा कहां से रहा है पैसा, हमारे बैंक अकाउंट से, बैंक में रखा हुआ पैसा हमारी संपत्ति है, हमारी असेट है, और ये असेट अब घट रही है, बैंक में पैसा घटेगा, असेट घट रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की खरीदी है हमने मशीन, ₹5 लाख की, ठीक है जी। तो नगद खरीदी तो ये एंट्री होगी, और अगर आपने पेमेंट चेक से किया है तो ये एंट्री होगी, ठीक है। यहां पर अगर खाली मशीनरी परचेज शब्द भी लिखा हुआ होता तो ही हम ये मान के चलते कि कैश में ही असेट परचेज की गई है। तो उम्मीद है ये दोनों एंट्रियां विद रीजन आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बेटा अब अपन अपने तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, मशीनरी परचेज अगर हमने की है किसी पार्टी से क्रेडिट बेसिस पर, ठीक है जी। तो कल बताया था कि मशीनरी का पेमेंट आप कैश से कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप मशीन को उधार खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मशीनरी परचेज फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड, ठीक है जी, गोदरेज कंपनी आपने सुना होगा,
ठीक है, गोदरेज कंपनी से हमने मशीन खरीदी है, मशीनरी परचेज फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट रुपीज 5 लाख। ठीक है जी, सभी केसेस में मैं मशीनरी ही खरीदूंगा और सभी केसेस में मैं अमाउंट 5 लाख रुपए ही रखूंगा। ठीक है जी, मशीनरी खरीदी है किससे? गोदरेज लिमिटेड से, और कैसे खरीदी है? क्रेडिट बेसिस पर, मतलब उधार खरीदी है। ठीक है, अगर बेटा आपको क्वेश्चन में ये कहा जाता मशीनरी परचेज फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड रुपीज 5 लाख, अगर ये क्रेडिट शब्द नहीं होता और पार्टी जिससे हमने खरीदा है खाली उसका नाम होता तो भी हम ये मान के चलते कि मशीन उधार खरीदी है। ठीक है जी, मशीनरी परचेज फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड ऑन क्रेडिट, यहां तो क्रेडिट शब्द साफ साफ दिया हुआ है, उधार खरीदा है। अगर लिखा होता मशीनरी परचेज फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड रुपीज 5 लाख, तो यहां ऐसी सिचुएशन में हम पार्टी का नाम दिया हुआ है, कैश नहीं दिया हुआ, तो हम यही मानेंगे कि उधार ही खरीदी गई है। तो देखिए रीजन क्या देंगे इसके लिए, हमारे पास क्या आ रहा है, असेट आ रही है मशीनरी। मशीनरी एक एसेट है, बढ़ रही है और ये हो जाएगी डेबिट एज पर मॉडर्न रूल्स। मशीनरी बिजनेस में आ रही है, बिजनेस में मशीन आ रही है, बिजनेस की संपत्ति बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। ठीक है जी, तो डेबिट होगा। दूसरी बात ये आती है कि हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कुछ नहीं गया, ना हमारे पास से कैश गया, ना हमारे बैंक से पैसा गया, हमारे पास से अभी कुछ भी नहीं गया, बट हमें देना है, फ्यूचर में देना है। किसको देना है? गोदरेज लिमिटेड को देना है। ठीक है, गोदरेज लिमिटेड से हमने मशीनरी उधार खरीदी है, हमारे पास असेट तो अभी आ गई बट पैसा देने के लिए हमने वादा किया है फ्यूचर में देंगे, बाद में इनका पैसा हम चुका देंगे, तो बाद में देना है। देना है तो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, एक दायित्व है। ठीक है जी, पैसा अभी उधार किया है आपने, पैसा आपको देना है, तो ये क्या है बेटा? एक लायबिलिटी। लायबिलिटी टर्म्स में बताया हुआ है, किसी को कुछ देना है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो देखो गोदरेज लिमिटेड हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रही है, फ्यूचर में पैसा देना है, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। तो ये अपर एरो है जो ये बता रहा है कि लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, और ये एल शब्द बता रहा है लायबिलिटी। गोदरेज लिमिटेड हमारी एक लायबिलिटी है जो कि बढ़ रही है, जिसको हमें फ्यूचर में पैसा देना है, भविष्य में पैसा देना है, तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गोदरेज लिमिटेड अकाउंट। ठीक है जी, गोदरेज लिमिटेड से कितना का हमारा हिसाब है? 5 लाख रुपए। ठीक है जी, ये इसका रीजन हो गया। तो जी अभी तक मैंने बता दिया, कैश में अगर आपने असेट खरीदी तो क्या एंट्री होगी, चेक से पेमेंट किया तो क्या एंट्री होगी, उधार खरीदी और पार्टी का नाम इस तरीके से दिया हुआ है तो क्या एंट्री होगी। तो जी आगे की चर्चा अपन करते हैं। आगे आपको बोला जाएगा कि अगर मशीनरी खरीदी है हमने, ठीक है, पार्टी से किस तरीके से खरीदी है बताते हैं जरा। ये हो गया था अपना नंबर 3। फोर्थ देखते हैं, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड फॉर कैश रुपीज 5 लाख। देखो जी अब यहां पर सिचुएशन यह है कि हमें यह बताया है कि मशीनरी खरीदी है, किससे खरीदी है? गोदरेज लिमिटेड से। कैसे खरीदी है? कैश में। अरे भाई जब कैश शब्द आ गया, हमने पैसे दे दिए, तो हमें पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
ठीक है जी, जब हमने किसी से सामान खरीदा और पैसा कैश में दे दिया तो हमारे लिए हिसाब किताब तो चुकता हो गया ना, हमें ना तो अब उससे कुछ लेना है ना देना है, तो हमें पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहां रीजन देखो क्या हुआ, मशीनरी बिजनेस में आई, मशीनरी क्या है, एक असेट है, असेट आ रही है बढ़ रही है तो हो जाएगी डेबिट। ठीक है जी, हमने उधार तो नहीं लिया ना, हमने ये जरूर बताया कि कौन सी पार्टी से खरीदा है, गोदरेज लिमिटेड से ही खरीदा है, बट यहां उधार खरीदा था, यहां पर हमने भुगतान कर दिया, कैश दे दिया, तो गोदरेज लिमिटेड से हमारा सारा हिसाब किताब चुकता हो गया, कोई दायित्व तो नहीं है, क्या गया हमारे पास से, कैश चला गया, कैश हमारी असेट घट रही है, पैसा दिया है तो पैसा घटेगा, पैसा हमारी संपत्ति थी, असेट था, घट रहा है, घट रहा है कैश तो ये हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि असेट्स जब भी घटती हैं क्रेडिट हो जाती है, असेट जब भी बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी जरा उसको देख लेते हैं, हमारी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपए 5 लाख। ठीक है जी, रीजन इसके लिए ये मैंने दे दिया है। ठीक है जी, तो बेटा आपके सामने सिचुएशन दी हुई है कि आपने मशीनरी किससे खरीदी है, गोदरेज लिमिटेड से, अगर उधार खरीदी है तो क्या होगा, हमारी लायबिलिटी बन जाएगी गोदरेज लिमिटेड की तरफ, अगर गोदरेज लिमिटेड से कैश खरीदा तो सीधी सी बात है हिसाब चुकता, कैश गया है तो एंट्री ये बन जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मशीनरी परचेज ये बना देते हैं नंबर इसको 5, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट ₹5 लाख। ठीक है जी, मशीनरी परचेज ₹5 लाख। ठीक है जी, पर मशीनरी आई है कैसे आई है, क्रेडिट बेसिस पर, मशीनरी 5 लाख रुपए की खरीदी है उधार, बट किससे खरीदी है ये नहीं बताया। बेटा रियलिटी में तो हमें पता रहेगा, रियल लाइफ में तो हमें पता रहता है हम किससे लेकर के आए हैं असेट, बट यहाँ पर क्वेश्चन में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको असेट खरीदने, जिससे हमने असेट्स खरीदी हैं उसका नाम पार्टी का नहीं पता रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, आप ये देखिए कि आपके पास बिजनेस में क्या है, मशीनरी क्या है, एक एसेट है, और ये एसेट बिजनेस में आ रही है तो बिजनेस की एसेट बढ़ रही है तो इसको कर देंगे अपन डेबिट। ठीक है जी, अब कैश नहीं जा रहा, चेक से पैसा नहीं जा रहा, उधार है बट किससे है हमें नहीं पता, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टी का नाम जब हमें नहीं पता तो हम उसे बोलेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर किस जात का, क्रेडिटर है ये हमारी मशीनरी का, क्रेडिटर फॉर मशीनरी। ठीक है जी, क्रेडिटर सामान्य बात, सामान्य अगर क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है कि जनरली क्रेडिटर वर्ड लिखा हुआ है तो हम ये मानेंगे कि गुड्स खरीदे होंगे, माल खरीदा होगा उसका उधार चुकाना बाकी है, बट अगर क्रेडिटर की माल के अलावा किसी और चीज का है तो उसका नाम भी बताओ, किस बात का क्रेडिटर है, किस बात के पैसे हमें इसे चुकाने हैं, मशीन के बात के, तो ये क्रेडिटर हमारे लिए एक लायबिलिटी है, जो भी पार्टी होगी, जो भी एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी है जिससे हमने मशीनरी उधार खरीदी है जिसका नाम हमें नहीं पता पर पैसा तो चुकाना है तो हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो कर दीजिए क्रेडिट। ठीक है जी, और एसेट्स बढ़ रही है तो कर दीजिए डेबिट। तो बेटा अब यहां पर एंट्री क्या होगी, देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी अकाउंट 5 लाख रुपए
ये भी 5 लाख रुपए। ठीक है जी। तो जी उम्मीद है आपको यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। यहां पर इस क्वेश्चन में मशीन खरीदी है उधार, किससे खरीदी हमें नहीं बताया, तो ऐसी सिचुएशन में असेट बढ़ रही है, उसे डेबिट करेंगे। देना तो है किसी को पैसा, हमें नहीं पता किसको देना है, पर देना है क्योंकि बुक्स में आपको नाम नहीं बताया पार्ट का, रियलिटी में पता रहता है। तो उस जिसको हमें पैसा देना है, जिसका नाम नहीं पता, उसे बोलेंगे क्रेडिटर फॉर मशीनरी। ठीक है। और क्रेडिटर फॉर मशीनरी हमारे लिए दायित्व है, जिस तरीके से दायित्व बढ़ता है तो उसे अपन क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब लास्ट सिचुएशन देख लेते हैं जो आपको बताई थी कि कुछ पैसा तो हमने दे दिया और कुछ पैसा अभी उधार छोड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में लिख लेते हैं 6 पॉइंट, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड फॉर रुपीज 5 लाख एंड 30% इज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग 70% इज पेड आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है। अब बेटा हिंदी वाले जरा देख लीजिए, मशीनरी खरीदी गोदरेज लिमिटेड से, मशीनरी खरीदी किससे, गोदरेज लिमिटेड से, कितने की, 5 लाख रुपए की। गोदरेज लिमिटेड से मशीनरी खरीदी है, गोदरेज लिमिटेड से मशीनरी खरीदी है 5 लाख रुपए की। ठीक है जी। और कह रहे हैं कि गोदरेज लिमिटेड को 30% राशि, 30% जो अमाउंट है मशीन का, वो तुरंत पे कर रहे हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा पैसा तुरंत पे कर रहे हैं, 5 लाख का 30% हो गया 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख तो हम उनको तुरंत दे रहे हैं। और कहा हमने कि बाकी के जो 3.5 लाख रुपए हैं वो 4 महीने बाद हम दे देंगे। तो अब इस सिचुएशन में देखो बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीनरी। मशीनरी क्या है, एक असेट है, असेट बढ़ रही है तो हो जाएगी डेबिट। असेट्स जब भी बढ़ेगी डेबिट होगा, चाहे उधार खरीदो, चाहे नगद खरीदो, चाहे चेक से खरीदो, कैसे भी खरीदो। आपके पास से गया क्या, गया है कैश, कैश हमारी असेट थी। ठीक है, घट गया क्योंकि हमने 30% मतलब 1.5 लाख रुपए हमने पे कर दिए। तो जब असेट घटती है तो हो जाती है क्रेडिट, 1.5 लाख रुपए से तो कैश चला गया हमारा, और 3.5 लाख रुपए की लायबिलिटी बन गई। 3.5 लाख की लायबिलिटी किसके लिए है, हमारी गोदरेज लिमिटेड। गोदरेज लिमिटेड हमारी लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी बढ़ रही है तो हो जाएगी क्रेडिट, ध्यान रखिएगा। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को लेके, इन तीनों तत्वों को लेके हम जनरल एंट्री बना लेते हैं। जनरल एंट्री क्या बनेगी, जरा सुनिए। डेबिट होगी मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन आई, 5 लाख रुपए की। गया क्या, कैश टू कैश अकाउंट, कितना कैश गया जी, 1.5 लाख रुपए गया। क्यों गया 1.5 लाख, क्योंकि 30% हम तुरंत भुगतान कर रहे हैं। मशीनरी आ रही है पेड इन कैश, कितना, 30% 70%। ठीक है जी, आफ्टर 4 मंथ्स तो ये उधार हो जाएगा। तो मशीनरी आई 5 लाख की, कैश गया 1.5 लाख, और टू गोदरेज लिमिटेड अकाउंट 3,50,000 रुपए, 3.5 लाख रुपए की हमारी लायबिलिटी है। तो जर्नल एंट्री बेटा ये, और उसका रीजन है ये। ठीक है जी। उम्मीद है
आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने 6 सिचुएशंस बताई हैं, ठीक है जी, मैंने 6 सिचुएशंस बताई हैं एक असेट को परचेज करने की। कि एक असेट को जब हम परचेज करते हैं तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया हो सकता है, उन अलग अलग सिचुएशंस में हमें क्या जर्नल एंट्री करनी है, कैसे करनी है, वो आपको बताया। देखिए, या तो आप खरीदते समय तुरंत चेक से पेमेंट कर सकते हैं या कैश में पेमेंट कर सकते हैं, या आप उधार खरीद सकते हैं। उधार में पार्टी का नाम आपको दिया जा सकता है और पार्टी का नाम दिया नहीं भी जा सकता, या आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि असेट खरीदी है और कुछ पैसा कैश दिया है और बाकी उधार थोड़े दिनों के बाद देंगे। तो अलग अलग सिचुएशंस में क्या एंट्री बनेगी परचेज ऑफ फिक्स असेट में, वो मैंने बेटा आपको एंट्रियां बताई हैं। इन 6 एंट्री को, 6 सिचुएशंस को या 6 एग्जांपल्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अभी एक न्यूज सुनी थी कि शायद जल्दी से जल्दी आपके स्कूल खुलने वाले हैं, तो यहां पर जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझिए। क्लास में जितनी डिटेल से हो सकेगा हम वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर तो मैं अकेला ही हूं, अपने आप से क्या बात करूं। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी भी अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, बाय।